बाइक पे जाएंगे। मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी। तुम नहीं आएंगे, देखो बोलती तुम नहीं आएंगे। आएंगे 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 लेने आएंगे। तुम आइसक्रीम नहीं लाओगे? मैं लाऊं? तुम मत लाओ, मैं लाता हूँ। हाँ चलो बाय करो, अभी बाय करो, जल्दी बाय करो। अच्छे से हैं। सो आज का मेरा ब्लॉग बहुत स्पेशल है, जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज मेरे भाई लोग आने वाले हैं, मतलब जिनको मैं 17 से 18 साल हो गए लास्ट, जिनको मैं राखी बांधती हूँ। सो आज मैंने उन लोगों को दावत दी, जब से ये घर बना है मतलब वो लोग आए ही नहीं। सो इसीलिए आज मैंने ईद में बोली पहले आप लोग आ जाओ, और सॉरी मैंने आप लोगों को बासी ईद मुबारक मैंने विश ही नहीं की। तो आप सबको मेरे हम वलसंगर फैमिली की तरफ से बासी ईद मुबारक हो। सो आपकी ईद कैसे थी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। और ये देखिए हाथ में जो आप लोग मेहंदी देख रहे हैं ना, ये मुझे मेरी आयरा ने लगाई है। आयरा को है ना, आयरा को मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, और ये उसको मम्मी ने लगाई है। मम्मी को इतनी खास नहीं आती है, बट फिर भी कोई बात नहीं। समारा को भी मैंने लगाई थी, समारा ने अपनी मेहंदी खराब कर दी। आयरा ने ये पूरा मुझे ना लाल लाल पूरा आयरा ने कर दी, बोली मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है आप करो। तो इतने जब वो प्यार से लगा रही थी मुझे, तो फिर मैं कैसे नहीं बोलती ना उसको। मैंने बोला ठीक है जैसे तुमको आता तुम ऐसे लगा दो। देखो कितने अच्छे से लगाई है ना उसने, फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर आगे का जो है ब्लॉग आप ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, कहीं मत जाइए। और आई होप आप लोग मेरे इस ब्लॉग को इंजॉय करेंगे। तो भाई लोग आ गए, देख सकते हैं नीचे आ गई उनकी कार, देखो नीचे कार आ गई। हाँ ये लोग आया और तुम्हारा वही खड़े है, बोलते आ गए मम्मी मामा। मामा आए, मामा आए। ठीक है आपको मेहनत लगी, सात साल आज तक बाहर नहीं देखे ना। अच्छा लाइटिंग वाइटिंग मेरे जैसे है, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो अभी आई नहीं ना, मैंने बनाया जब आई नहीं थी लास्ट टाइम, रात की रक्षाबंधन के टाइम उसके बाद बनाए। उसके बाद बनाए हाँ, वो मतलब करंट को बाहर निकालते हैं ना। वो दोनों गेट वहाँ खड़े रह के बोल रहे मामा आए नहीं अभी तक। सचिन भाई आ जाओ,
नमस्कार। और सचिन और मोहन क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। ये छोटे भैया मेरे, ये है आई भाभी है ना। अरे ये देखो, ये भी आदत हो गई ना उसको। हेलो बोलो, हेलो आप या हेलो बोलो। हाँ हेलो, हाँ हेलो, अब उसको आदत। सो गाइस, ये है मेरे बड़े भैया। बड़े भैया हाय बोलो। ये है सचिन भाई का बेटा, छोटा वाला ओमी, ओमकार नाम है, मतलब ओमी बुलाती हूँ प्यार से। ये है रेनू का, बड़े भैया की बेटी। और ये है मेरे बड़े भाभी, हाय रवीना, सॉरी मेरे को वही आ रहा था ना। हम क्लासेस में थी ना रेनू का, मेरा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे, ये देखो उसको तो टेंशन में बैठी है। आयरा 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 को लेके जा रहे ना। चलो चलो
बाय 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 जा तुला मामा रे कोड आलाय तू बाय बाय जा जाओ देखो अपने को बाय बोल रही बाय मम्मी आया चलो जाना है हमको अभी नहीं जाने का अरे जा रहे मम्मी घर जा रहे आए तू मेरे घर से आएगी घर से अरे जा रहे अरे तुम पहले बना अरे उतर नहीं तुम्हारा मामा को घर जाना है मामा को जाने का आए ना आ जा मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी गाड़ी पे जाएंगे ठीक है सुबह आएंगे लेने के लिए हाँ मामा सुबह आएंगे तुमको लेने के लिए इधर ही रहते हम लोग चलो बाय मामी को बाय करो सुबह में आएंगे सुबह में देखो तुम बाय करो मामा को बाय करो मामा को तुझे लेने आएंगे ना सुबह कार में नहीं उसको कार में ही जाना है हाँ देखो मम्मी को बोलो जल्दी छोड़ के आओ बोलो मामा हाँ बोलो मामा को बोलो हमको लेने आने मामा को बोलो छोड़ के आओ मामा को बोलो छोड़ के आओ छोड़ के आने बोलो तुम नहीं आएंगे देखो बोलती तुम नहीं आएंगे 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 लेने आएंगे तुम आइसक्रीम नहीं लाओगे मैं लाऊ तुम मत लाओ मैं लाता हूँ हाँ चलो बाय करो अभी बाय करो जल्दी बाय करो हम लोग लेके आते बाय बाय मम्मा मम्मी के साथ आ बाय 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 आई तुम्हारा इतना क्यों रो रहे बेटा मामा फिर आएंगे नहीं तो हम चले जाएंगे रक्षाबंधन में व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन समारा तुम कितना रोए बेटा और गुस्से में देखो पूरा सामान उसने फेंक दी सब जा रहे बोलकर फ्रेंड्स ये देखिए अभी रात के बज रहे हैं 1:30 मेरे वेसल्स भी धोकर मेरे बर्तन भी पूरे ये देखिए मैंने पूरे बर्तन भी अच्छे से धो दिए हैं जितने अभी यूज़ हो गए थे
ये देखिए दस्तरखान भी धोके सूख गया है, ये दस्तरखान भी अच्छे से सूख गया है, सब काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, किचन एंड क्लीन भी हो गया। शुरुकुरमे को मैंने अच्छे से फिर से एक बार गर्म कर दिया, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हॉल का भी सब काम हो गया, बट कितना खाली खाली लग रहा है, जब भाई वो लोग सब थे, भाभी लोग थे तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पुरानी बातें अपनी याद आ रही थी कि हम लोग कैसे करते थे सोसाइटी में, तेरे बिना भी अच्छा नहीं लगता है, अभी सोसाइटी भी तेरी सी नहीं लगती, अभी एकदम खाली खाली लगता है, पहले ऐसा भी नहीं रहे, सब चेंज हो गया है, जो छोटे छोटे बच्चे थे। सो फ्रेंड्स, फाइनली सब काम हो गए अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब सुबह उठेंगे तो ये टेंशन नहीं होगा कि काम बचा है, बर्तन धोना बाकी है, झाड़ू लगाना बाकी है, पोछा लगाना, मतलब वो तो रहेगा ही, कल का नया रूटीन तो वो अपना होगा ही, नो डाउट। बट आज जो जाने के बाद, भैया लोगों के जाने के बाद, भाई लोगों के जाने के बाद जो घर गंदा हो गया था, मतलब उसको क्लीन करने के बाद जो सुकून से मुझे जो नींद आएगी ना, मतलब मैं अच्छे से सुकून से सो पाऊँगी कि हाँ घर अपना अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है, मतलब कल जब मैं उठूँगी मॉर्निंग में तो मुझे किचन एकदम क्लीन नज़र आएगा, हॉल एकदम नज़र आएगा, अच्छे से मुझे दिखाई देगा, मुझे मतलब ना ये नहीं रहेगा। सो फिर बहुत थक गई हूँ गाइस, जो आज का ब्लॉग है फिर यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। वो हमें याद रखना, और जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट और लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, है ना, कहीं मत जाइए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।